अक्सर कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाता है। हार्दिक पांड्या और नताशा की जोड़ी को देख ये बात एकदम सही साबित होती है। हार्दिक जहां भारतीय क्रिकेट की दुनिया से आते हैं तो वहीं नताशा एक सर्बियन अभिनेत्री है, यानी दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दोनों एक कैसे हुए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में मिलेगा इनकी लव स्टोरी का सबसे मसालेदार पार्ट। जहां एक और पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तो वहीं हार्दिक ने इस मौके पर सभी को अपनी मंगेतर से मिलाते हुए सभी को हैरान कर दिया। हार्दिक ने जानकारी साझा करते हुए फिल्मी स्टाइल में लिखा कि मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, जिसके बाद तो उनके साथी खिलाड़ी और फैंस ने इस नई जोड़ी को ढेरों शुभकामनाएं दी। पर आखिर ये प्रेम कहानी शुरू कब हुई? दरअसल हार्दिक और नताशा की पहली मुलाकात एक नाइट क्लब पार्टी के दौरान हुई, जहां दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे, जिसके बाद हार्दिक ने नताशा को अपने परिवार और दोस्तों से मिलवाया और दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। नताशा कई बार हार्दिक के कई मैचों और क्रिकेट पार्टियों का भी हिस्सा बने। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद दोनों ने एक दूसरे से कभी ना अलग होने का वादा करते हुए रिंग्स बदली। हार्दिक जहां क्रिकेट के मैदान में अपने बैटिंग बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं नताशा बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू के साथ अपने कई और गाने और फिल्मों के लिए जानी जाती है। दोनों ही सितारों को एक साथ देख सभी ने इनके जोड़ी की सलामती की दुआ मांगी। खबरें तो ये भी थी कि पहले नताशा प्रेग्नेंट हुई थी, फिर हार्दिक ने उन्हें प्रपोज किया और शादी की, तभी इनका बच्चा भी शादी के कुछ महीनों बाद ही हो गया था। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता था कि नताशा डीजे वाले बाबू सॉन्ग में बादशाह के साथ थी? हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं।